वाहन पलटते ही उसमें शराब निकला और ग्रामीणों ने ऐसा लूटा मानो उन्हें होली का तोहफा मिल गया हो। झारखंड के गोड्डा में आलू लदी पिकअप वैन पलटी, जिसके अंदर से शराब की बोतलें निकलने लगी। शराब लूटने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई। बताया गया कि बिहार जा रहे आलू लदा पिकअप वैन के पलटने से उसके अंदर अंग्रेजी शराब निकलने लगी। फिर क्या था, ग्रामीण जुटे, सीमाओं का बंधन टूटा और देखते ही देखते सारी शराब गायब हो गई। हालांकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक शराब की मात्र कुछ बोतलें ही बरामद हो सकी। बताया गया कि बसंत राय थाना क्षेत्र के आईचा नदी के पास रुपनी गांव के समीप मंगलवार को तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे अवैध शराब लदा पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। जब तक पुलिस आती तब तक आसपास के ग्रामीणों में बोतल लूटने की होड़ मच गई। कोई आलू के बोरे ले जा रहा था तो कोई भर भर के बोतल। बताया जाता है कि वैन में शराब के ऊपर आलू भरा बोरा रखकर शराब के कार्टन को ढक दिया गया था, जिससे किसी को शराब दिखाई न दे। लेकिन वैन के दुर्घटनाग्रस्त होते ही सारा खुलासा हो गया। बताया जाता है कि बिना नंबर के पिकअप वैन में अवैध शराब लदा हुआ था। यह शराब बिहार ले जा रही थी। बिहार में शराबबंदी के कारण तस्कर अक्सर इसी रास्ते चोरी छिपे शराब को बिहार में खपाते हैं। पूरे मामले पर थाना प्रभारी विनीत कुमार ने बताया कि गाड़ी को जब्त कर थाना लाया गया है। प्राथमिकी गाड़ी पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आधार लाए उधार ले जाए मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ, अब आपके शहर गढ़वा में श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस के द्वारा फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर, एसी और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान। हमारा पता है मेन रोड गढ़वा, किलर शोरूम के बगल में,